हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है। जब भी हम पेटेंट्स एक्ट देखते हैं तो सेक्शन 10 में हमको कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसका जो करस्पॉन्डिंग रूल है वो रूल 13 है, जो हमको साथ में जो पेटेंट्स रूल 2003 है उसमें जो रूल 13 है वो भी हमारे को कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन के साथ के प्रोविजंस को बताता है कि वो कैसे अप्लाई होगा। अब जब भी हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें जो है हमारे स्पेसिफिकेशंस कहाँ पर जाते हैं, फॉर्म 2 के अंदर। तो जो पेटेंट्स रूल्स हैं उसके अंदर फॉर्म्स दिए हुए हैं। हर एक एप्लीकेशन, जब भी हमारी एप्लीकेशन जाती है तो उसके साथ कुछ हमारे फॉर्म्स जाते हैं, जो फॉर्मेट्स हैं जो पेटेंट ऑफिस हमको दिए हुए हैं। तो उसके अंदर हमारा फॉर्म 2 के अंदर ये सारे कंटेंट्स जाएंगे स्पेसिफिकेशन के। और ये फॉर्म 2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है उसकी वो हमारे टाइटल से शुरू होता है। तो इट विल ऑलवेज बिगिन विद अ टाइटल। अब ये टाइटल के भी कुछ रूल्स हैं जो रूल 13 के अंदर ही दिए हुए हैं। एक तो ये मैक्सिमम 15 वर्ड्स का होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जो वर्ड लिमिट है टाइटल की वो 15 वर्ड्स की है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की, तो हर एक स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी ड्राइंग्स भी जाती हैं। अब ये ड्राइंग्स देना ना देना ये आपके ऊपर भी चॉइस है। साथ के साथ कंट्रोलर भी मांग सकता है ड्राइंग्स को। और जब भी हमारी ड्राइंग्स अकंपनी होंगी तो ये उसका स्पेसिफिकेशन का पार्ट बनेगा। और इसके जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है ड्राइंग के, कि ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द मार्जिन्स कितने होने चाहिए ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स का जैसे कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो है एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए, फिर उसके बाद नीचे पेटेंट एजेंट के या एप्लीकेंट के साइन भी होने चाहिए। वो सारा हमको रूल 15 के अंदर बताया जाता है और ये स्पेसिफिकेशन का पार्ट बन जाता है। जब भी हमारी ड्राइंग्स अकंपनी होंगी तो स्पेसिफिकेशन का पार्ट बनेगा। और साथ में हमारे को जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर ये ड्राइंग्स का हमको रेफरेंस न्यूमरल्स देने होते हैं, जो कंपलसरी है। अगर आपने ड्राइंग अकंपनी करी है तो आपको रेफरेंस न्यूमरल्स देने हैं, साथ के साथ मॉडल और सैंपल। तो जब भी प्रोसिक्यूशन होता है, अगर कंट्रोलर को या एग्जामिनर जो है चाहे तो वो आपको कह सकते हैं कि आप मॉडल्स या फिर सैंपल्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या जो भी आपकी इन्वेंशन है उसका मॉडल या फिर उसका कोई एक सैंपल आप उसको प्रोवाइड करो। हियरिंग के टाइम वो पूछ सकता है। फोर्थ, अब ये आती है बात रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। ये जब भी आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोगे तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज कि जो आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है ये जो आपकी इन्वेंशन को है पूरी तरह से डिस्क्राइब करे। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इन्वेंशन ब्रोकन लग रही है। जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो इन्वेंशन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन जाएगी उसके अंदर एज इट इज ऐसा लिखा होना चाहिए कि कोई भी जनो जो स्किल्ड है आर्ट में वो उसको जस्ट रिप्रोड्यूस कर दे। तो वो फुल्ली डिस्क्राइब करना चाहिए इन्वेंशन को, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज कि उसके अंदर एक बेस्ट मेथड जरूर दिया होना चाहिए कि आप उस इन्वेंशन को सबसे सही तरीके के, कई बार हमारे अलग अलग यूज केसेस बनते हैं तो उसके अंदर सबसे बेस्ट मेथड क्या है उसको हमको देना होता है। थर्ड, हमेशा आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लेम्स के साथ एंड होगी। तो जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले आपका टाइटल आता है, टाइटल के बाद आपका एप्लीकेंट्स की डिटेल्स आती है, इन्वेंटर्स की डिटेल्स आती है, उसके बाद आपका जो प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल के बाद डिस्क्रिप्शन आता है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आपके आते हैं क्लेम्स, और क्लेम्स के बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो जो आपका क्लेम्स है वो आपका फुल्ली डिस्क्राइब होना चाहिए। अब उसके बाद फिर आपका ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी आपका क्लेम्स होता है, क्लेम्स के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट्स भी दिया होना चाहिए। ये फ्रेश पेज पे स्टार्ट होता है हमेशा फॉर्म 2 में, ये फ्रेश पेज पे, और ये भी फ्रेश पेज पे स्टार्ट होगा। तो हमेशा क्लेम्स के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट भी देना है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी फिर से आपको रेफरेंस न्यूमरल्स देने होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट इज अ कंसाइज समरी। तो एक समरी होती है आपके इन्वेंशन की जो आपको एक एंड में देनी होती है। यही एब्स्ट्रैक्ट से ही पेटेंट ऑफिस फ्यूचर के सर्चेज भी करते हैं, और वहां पर जब आपके रजिस्टर में है जो ऊपर दिखाया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट ही दिखाया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सक्सेंट होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो भी आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होती हैं वो हमेशा ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की तरह ही ट्रीट करी जाती हैं। तो उसमें कभी भी आपके
और ये स्पेसिफिक बहुत ही क्लियरली ये लिखा है डेजिग्नेटिंग इंडिया। तो जो भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो इंडिया को डेजिग्नेट कर रहे हैं, और ये मेनली आपका होता है पीसीटी में, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटीज में। तो जब भी आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन इंडिया में फाइल होगी वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल होगी, वो प्रोविजनल फाइल नहीं होती। बाद में जब क्लेम्स आपके जो होंगे, जो हमने डिस्कस करा था कि आपके डिस्क्रिप्शन के बाद क्लेम्स जाते हैं, तो क्लेम्स जो है वो हमेशा सिंगल इन्वेंशन को रिलेट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके क्लेम्स एक क्लेम कोई और इन्वेंशन डिस्कस कर रहा है और दूसरा क्लेम कोई और इन्वेंशन डिस्कस कर रहा है। जितने भी आपके क्लेम्स हैं वो सिंगल इन्वेंशन के लिए होंगे। और अगर कई सारे इन्वेंशंस हैं जो डिविजनल एप्लीकेशन के पेरेंट एप्लीकेशन में होता है, कई सारे इन्वेंशंस भी हैं, तो उस केस में सेम इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका जो इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है वो सेम होना चाहिए। और लास्ट है कि डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 5 भी फाइल करना होता है। फॉर्म 5 जो है रूल 13(6) में भी दिया हुआ है, 13(6), तो उसके आपका टाइम होता है 1 मंथ, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपने आज एप्लीकेशन फाइल करी है तो 1 महीने के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप भी देना होगा फॉर्म 5 में, कि आप ये एप्लीकेशन में जो इन्वेंटर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और ये ही इन्वेंटर्स हैं, तो वो फॉर्म 5 में जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।